उठ जाग कुराड़े मार नहीं, 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 ए सोण तेरे दरकार नहीं, ए सोण तेरे दरकार नहीं। शोबिन कोई नाही, बुला शोबिन कोई नाही, एते ओते दोई सराई। बुला शोबिन 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 शोबिन, बुला शोबिन बुला शोबिन कोई नाही, एते ओते दोई सराई। संभल संभल संबल संबल कदम टिकाई, फिर आना दूजी वार नहीं, फिर आना दूजी वार नहीं। उठ जा जा जाग जाग जा, जाग कुराड़े मार नहीं, ए सोण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सोण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सोण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सोण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग उठ जाग उठ जाग जाग जाग, उठ जाग कुराड़े मार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जा जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ले सोण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ले सोण तेरे दरकार नहीं, सौण तेरे दरकार नहीं, हे सौण तेरे दरकार नहीं, हे सौण तेरे दरकार नहीं, हे सौण तेरे दरकार नहीं। उठ जा जा जाग जाग जा, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, हे सौण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, सोण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सोण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सोण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग 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 जाग, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, जाग कुराड़े
सरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सौण तेरे दरकार 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 नहीं, उठ जा जाग जाग जा, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सौण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सौण तेरे दरकार नहीं, उठ जाग कुराड़े 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 कुराड़े, जागना है इस नींद से, उठना है। और इस नींद को मैं सिर्फ शरीर की नींद नहीं कह रही हूँ, ये जो अज्ञान की नींद छाई हुई है मैं उस नींद को तोड़ने के लिए कह रही हूँ। सुबह अलार्म लगा के रात की नींद को कोई भी तोड़ सकता है, और तुम भी तोड़ते हो। अगर सुबह 4 बजे की तुम्हारी फ्लाइट हो अमृतसर से एयरपोर्ट से, तो तुम रात 1 बजे भी उठ जाओगे। पर ये जागना नहीं है, ये अभी भी सो ही रहा है। बुल्ले शाह किस नींद से जागने को कह रहा है? वो नींद अज्ञानता की है, अज्ञान की नींद से जागो। ये रात वाली नींद की सिर्फ फिक्र कौन करता है? बोले अंदर जो नींद आ गई, अज्ञान की नींद, मोह की नींद, विकारों की नींद, ये नींद छाई गई है।
इस नींद को तोड़ना जिसकी ये नींद नहीं टूटी। वो सुबह उठ भी गया तो भी कौन सी बात, सुबह उठ के फिर दुनिया के कारोबार में लग जाता है, रात थक के सो जाता है, सुबह फिर दुनिया के कारोबार में लग जाता है। जिंदगी का जो असल मकसद है उसको तो अभी छुआ भी नहीं, और यहां तो जिंदगी खत्म हो जाती। कब तक सोते रहोगे, कब जागोगे, कब होश करोगे? जिंदगी में ये वक्त है तो सारी जिंदगी उसी का दिया मेहर, उसी की दी हुई कृपा है, ये मेहर उसकी है। लेकिन उस दाते की दी गई मेहर का सही इस्तेमाल करके हम अपनी अज्ञान की नींद कब तोड़ेंगे, कब मोह छोड़ेंगे, कब विषय वासना के पीछे भागना छोड़ेंगे, कब? मैं कल किसी से कह रही थी कि जब कोई आपको कहे कि जी हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, पर देखिए आपको आने की जरूरत नहीं है, पर आप लाख दो लाख जो रुपया हमें देना चाहो वो भेज देना, तुम नहीं आना, जो शगुन में आपने पैसा हमको देना है ना वो आप, आजकल तो वायर हो जाता है ना इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपके फोन से आप भेज सकते हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, आप नहीं आइएगा हमारी इस खुशी में, आने की जरूरत नहीं, बस पैसा भेज दीजिएगा, आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा? कुछ यही काम हम रोज करते, गए गुरुद्वारा, मत्था टेका, महाराज धन चाहिए, मकान चाहिए, ये भेज दो, तरक्की चाहिए, बंगला चाहिए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का वीजा भी चाहिए, वो भेज दो, तुम नहीं चाहिए, तुम यहीं रहो, तेरी जरूरत नहीं। साहेब से साहेब की दुनिया मांग ली और साहेब से प्यार भी नहीं, ये तो बेईमानी हो गई। आप जरा अपने आप को रखिए ना कि तुम्हें कोई कहे कि आप ना आइएगा हमारी पार्टी में, पैसा सगन का भेज देना, तुम नहीं चाहिए। जैसे जैसे कुछ एक बच्चे आजकल के बिगड़े हुए, वो माँ बाप को कहते हैं तुम भले मरो तो चाहे जियो, बस जायदाद मेरे नाम कर दो, तुम चाहे ओल्ड एज होम जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाके रोटियां खाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट जायदाद का हिस्सा मुझे तो दे दो, तुम्हारा क्या होगा दैट इज नॉट माई कंसर्न। वो माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, मेरी अर्ज है आपसे, अपने ही मां बाप को बनवास मत दे दिया करो। जो अपने शरीर के जन्म देने वालों से मोहब्बत नहीं कर सका, सच ये है वो परमात्मा से तो कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। ये तेरे जिस्म को जिसने पैदा किया, पाला पोसा है, उनके प्रति तुम्हारा भाव, प्यार, इज्जत, मान हमेशा दिल में रहनी चाहिए। पर बच्चे हैं, जब ठीक संस्कार नहीं मिलते हैं तो ऐसा ही काम करते हैं। आपका बच्चा आपसे कहे कि हमें अपना सब कुछ दे दो, तुम चाहे घर से बाहर निकल जाओ, अब तुम सहन नहीं होते हो, खांसते रहते हो, बुड्ढे तेरी खांसी से सिर दुख जाता है, तो सब कुछ मेरे को दे और तू निकल जाए यहां से, कैसा लगेगा उस बाप को, उस माँ को? कुछ वही हम परमात्मा के साथ करते हैं। प्रभु धन दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, फैक्ट्री दे दो, बंगला दे दो, इज्जत दे दो, इलेक्शन में जीता दो, ये दे दो, वो, तुम नहीं चाहिए, सामान दे दो। अरे पागल आदमी, ये दुनिया का सामान दुनिया जैसा ही कच्चा, ये कच्चा सामान मिल भी गया तो कौन सी प्राप्ति हो जाएगी, कोई प्राप्ति ना होगी। मोह की नींद से जागो प्यारे, होश करो, अंतर बैठो, जुगत सीखो, नाम में मन जुड़े,
नाम से एक होवे मन, परमेश्वर से एक होवे मन। ऐसी जुगत सीखो, ऐसा तरीका सीखो, ऐसी साधना करो और अपने इस जीवन को धन्य तुम कर सकते हो। इस जिंदगी को किसी लेख के लगाना है तो ये काम करना होगा। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ये सौन तेरे दरकार नहीं, सोए मत रह जाओ, जागो प्यारे। जितनी जल्दी जाग जाओगे, जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज की बात मैं यहीं तक रखती हूँ, कल इस विचार को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ युक्तियाँ कैसे तुम्हारा मन टिके नाम में, कि संसार सारा भूल जाए और गोता अंदर लग जाए, वो कैसे हो सकता है, उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हालांकि वाणी में एक एक शब्द ऐसा है जो मुखरित होकर के ये सब बातें बोलता है, पर हम वाणी में गोता लगाते नहीं हैं, इसलिए सूखे के सूखे रह जाते हैं। कल कोशिश करेंगे थोड़ी और गहरा गोता लगे, कुछ अभ्यास की बात, कुछ ध्यान में टिकने की बात, कुछ सुरती को जगाने की बात, वो कल करेंगे। आप सबको मिलके देख के बहुत आनंद होता है। अमृत सरोवर की नगरी में आओ और अमृत सरियों को मिलो तो प्रसन्नता नहीं होगी तो और क्या होगा, ये तो होगा। दिल बाग बाग है गुरु की नगरी में रहने वाले आप सब भागवानों को मेरा नमस्कार है, मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार है। गुरु जो अंदर बसता है, बस उसका पल्ला पकड़ना सीख जाए हम। बाहर बैठा गुरु याद कराता है और उस गुरु की बताई हुई वाणी, उस उचरित वाणी को पल्ला पकड़ के अगर अंदर जाग गए हम तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपने इतने प्यार से बैठ के सुना, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। मेरा आप सबको बहुत प्यार भरा प्रणाम है, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्कार है। प्रभु दया करें, शक्ति करें, शक्ति देवे और अपने चरणों के साथ इस भटके हुए मन को जोड़ें। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।